पहला हाँ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अन एकेडमी पे। क्रैक गेट एंड ईएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन एकेडमी। आज हम लोग ब्रिक के कुछ बचे हुए पार्ट और मोर्टार को कवर करेंगे। उससे पहले अबाउट मी, माई नेम इज रवि कुमार राव, योर सिविल इंजीनियरिंग एजुकेटर। आई हैव मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईएससी, गेट एंड एसएससी जेई। आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 120 बैचेस। आई वर्क एज अ फ्रीलांसर इन मेनी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। आई हैव क्वालिफाइड गेट 3 टाइम्स। आई हैव क्वालिफाइड एसएससी जेई। अन एकेडमी लर्निंग ऐप, आप स्टडी करना चाह रहे हैं प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन, तो इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज अनएकेडमी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स के थ्रू। सिंपल आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनएकेडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है, वहां से आपको दिख जाएगा टॉप पे और उसको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप अनएकेडमी इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ आप ज्वाइन करते हैं अनएकेडमी को प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, तो आप स्टडी स्टार्ट करते हैं अपनी, तो आपको क्या क्या मिलेगा अन एकेडमी पे। देखिए एडवांटेज क्या क्या है। डेली लाइव क्लासेस, अगर आप अन एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने नॉलेज को और क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, और उससे कोई भी एग्जाम जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जैसा कि इसका स्लोगन ही है, लेट्स क्रैक इट, तो उसी हिसाब से बनाया भी गया है। चैट विथ योर एजुकेटर, इंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स एंड एंसर पोल्स ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। ये सारी चीजें मिलेंगी जब आपकी क्लासेस चल रही होंगी, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपके क्लासेस होंगे या फिर नोट्स होंगे वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि सिलेबस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें ये ज्यादा जरूरी होता है जानना कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए पढ़ाई सब लोग करते हैं, लेकिन आपको एक स्मार्ट तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अलग अलग तरीकों से। तो उन सारी बातों पे ध्यान दिया जाता है कहाँ पे, अन एकेडमी पे। ऑल और कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट, जिससे वजह से आपकी जो प्रिपरेशन हो सके वो बेस्ट हो सके। इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कोर्स को यहाँ पे, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं आपको अनएकेडमी पे। अनएकेडमी पे और क्या बेनिफिट है अगर आप देखेंगे, तो अनएकेडमी पे आपको लाइव टेस्ट मिलेगा एंड क्विजेज। देखिए जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, सॉरी अगर आप थ्योरी पढ़ लिए उसके बाद से अगर आप क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है, जिस वजह से ये पता चलता है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है या जो भी सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं, टॉपिक कवर किए हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आया कि नहीं आया, उसके क्वेश्चन हमसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी चीजें कौन क्लियर करेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के थ्रू आप जो है क्लियर करेंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि आपके अंदर कहाँ पे वीक पोर्शन क्या है, आपका स्ट्रांग पोर्शन क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपको हर एक चीज पता चलेगी। क्योंकि यहाँ जब लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देते हैं आप, तो एक टाइम लिमिट में आपको आंसर देना रहता है, ऐसा नहीं कि टाइम ले रहे हैं आपको, तो जिस वजह से आपको ये भी पता चलता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या है। और ये चीज आप देखेंगे कि कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए आप। जैसे गेट का एग्जाम दीजिए, आप ईएससी का दीजिए, एसएससी जाइए, हर एक जगह आपका टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। केवल क्वेश्चन का आंसर आना ही बड़ी बात नहीं है, उसको कम समय में करना भी हमारे लिए बड़ी चीज हो जाती है। तो ये सारी चीजों को एक समरी लेकर के कौन देता है, अनएकेडमी।
लाइव टेस्ट एंड क्विजेस से सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको। और ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? अनअकैडमी। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, किसी भी वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, कुछ समय बाद देख सकते हैं, मतलब कभी भी देख सकते हैं, लाइव क्लासेस के दौरान देख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से देख सकते हैं। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस। ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अनअकैडमी आप देखेंगे ना, ये सारे बेनिफिट्स को अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन से ज्यादा बेटर है ये। कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। आज हम नहीं जा पाए क्लास में तो क्या हुआ, वो रिकॉर्डेड है, वो बाद में भी देखी जा सकती है। तो इसका मतलब लाइटली नहीं लेना है कि पूरा स्किप कर दिए, प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करना है, लेकिन अगर छूट भी गए तो उसे आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, लर्न विद टॉप एजुकेटर्स। आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ये सारे टॉप एजुकेटर हैं, प्लस पे अगर आप देखेंगे तो ये टॉप एजुकेटर हैं, इनसे पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, देख भी सकते हैं आप। जैसे गेट एंड ईएससी के लिए डिफरेंट ब्रांच में आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो 7 कोर्सेज हैं यहाँ पे, तो वो प्रॉपर तरीके से गेट एंड ईएससी के लिए बनाए गए हैं। एसएससी जेई के लिए भी बनाए जाते हैं, सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो उसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर अलग अलग हैं, जैसे 1 मंथ पे है, 3 मंथ पे है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, 24 मंथ है, हर एक जगह पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन 12 मंथ का देखेंगे, अगर आप फीस देखेंगे तो वो कितना होता है, 25,000 होता है गेट एंड ईएससी के लिए। लेकिन अगर आप इसमें रवि राव कोड लगा देंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही आपको 25,000 का ही कितना का पड़ जाएगा, 22,500 का, यानी आपको जो 2,500 रुपये का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप टेन्योर डबल करना चाह रहे हैं 2 साल का लेना, ये 1 साल का था, आप 2 साल का लेना चाह रहे हैं, तो आपको 25,000 से 5,000 बढ़ाना होगा केवल, और वही कितने का पड़ेगा, 30,000 का पड़ेगा। लेकिन टेन्योर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप रवि राव कोड लगाते हैं तो आपको फिर से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और यही कितने का पड़ेगा आपको, 27,000 का पड़ेगा, यानी 30,000 में 3,000 का डिस्काउंट 27,000 का पड़ने लग जाएगा आपको। तो ये अनएकेडमी पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ फी का ये स्ट्रक्चर है। हालांकि आप कोई भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में जा रहे हैं, तो आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, रवि राव, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी और कुछ इसके बारे में जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसमें फर्दर गाइड कर दूंगा आपको, जिसकी वजह से आप और अच्छे एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स जो है उठा सकें। ठीक, नेक्स्ट। अब क्या है, हम लोग कल तक के टॉपिक में क्या क्या कवर कर चुके हैं ब्रिक में। ब्रिक का हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है मेजर, और मैन्युफैक्चरिंग, दो बड़ी बड़ी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब तीसरे पे आएंगे हम लोग टेस्ट ऑफ ब्रिक। तो इसका थंबनेल आपने मोर्टार देखा होगा, तो हमें मोर्टार भी कवर करना है इसमें, लेकिन मोर्टार इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले कुछ ब्रिक के जो बचे हुए पोर्शन है वो हम लोग कवर करते हैं, जैसे टेस्ट ऑफ ब्रिक। आपने सारी चीजें देख ली, आपने बनाना सीख लिया, आपने कितने टाइप के ब्रिक होते हैं ये भी जान लिया। अब उनकी क्वालिटी को चेक करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्वालिटी को चेक करने के लिए एक एक टेस्ट हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहला टेस्ट हम लोग करेंगे क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ब्रिक का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करना है। देखिए, मैं आपको सीमेंट में भी बताया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए आपको क्या क्या करना रहता है, वही सेम प्रोसीजर है, बस मटेरियल चेंज है यहाँ पे। वही सेम प्रोसीजर है लेकिन मटेरियल चेंज है यहाँ पे। जैसे देखिए, आपको क्या काम करना होगा, एक ओवरव्यू दे दे रहा हूं मैं पहले, फिर स्टेप वाइज हम लोग नोट भी कर लेंगे इसको। सबसे पहले जिस ब्रिक का स्ट्रेंथ पता करना है, उस ब्रिक को लाए, मिनिमम 5 ब्रिक लीजिएगा, क्योंकि सैंपल जो ले रहा है मिनिमम 5 होने चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से उसका एवरेज लेकर के स्ट्रेंथ बताया जा सके। ये हमने सीमेंट में भी बात करी थी, मिनिमम 3 क्यूब्स लिए जाते हैं, वही चीज यहाँ पे भी मिनिमम 5 लिए जाते हैं। तो उस ब्रिक को ले आएंगे। अच्छा, ब्रिक को ले आएंगे ना, तो टॉप पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे फ्रॉग बना रहता है, खाली जगह रहता है, तो हम उसमें लोड लगाएंगे ना, तो लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो फ्रॉग है, खाली जगह है, उसको भरना होगा।
उसको भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर्टार बनाते हैं और उस मोर्टार को उसमें भर दिया जाता है। मोर्टार 1:3 प्रोपोर्शन का मोर्टार उसमें भर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बराबर हो जाता है। अब उसको भरने के बाद तुरंत हम लोग लोड नहीं अप्लाई करने लग जाएंगे, उसे पानी में रखेंगे 3 दिनों के लिए रखेंगे, जिस वजह से 24 घंटे सेट होने के बाद 3 दिनों तक पानी में रखेंगे, जिसके बाद वो सेट हो जाएगा। उसके बाद उस ब्रेक को ले चलेंगे हम लोग CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में और वहां लोड ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से लोड को बढ़ाते जाएंगे, तो एक लोड पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उस मैक्सिमम लोड जिस पे फेल हुआ है उसको नोट कर लेंगे और इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया कौन सा लोडिंग एरिया जिस पे लोड लगाया है आपने उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, उस ब्रेक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। तो सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इसे हम लोग पॉइंट वाइज नोट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, टेक मिनिमम 5 ब्रिक्स जिसका आपको स्ट्रेंथ पता करना है, और उसके बाद से क्या करना है आपको, प्रिपेयर और मोर्टार ऑफ 1:3 प्रोपोर्शन। 1:3 में क्या क्या है, वन वन सीमेंट है और 3 क्या है यहाँ पे, सैंड है। 1:3 प्रोपोर्शन प्रिपेयर मोर्टार ऑफ 1:3 प्रोपोर्शन टू फिल द फ्रॉक, टू फिल द फ्रॉक, फ्रॉक को भरने के लिए ऐसा किया जाएगा। उसके बाद से जब ये भर जाएगा उसके बाद से क्या करना होगा आपको, 24 घंटे छोड़ना होगा किसके लिए, सेट होने के लिए, 24 आवर्स फॉर सेटिंग। जब ये सेट हो जाएगा, सेटिंग के बाद आपको क्या करना होगा, पुट द ब्रिक इन वॉटर फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए आपको पानी के अंदर रखना होगा, ठीक। अब उसके बाद से क्या करेंगे आप, उसे निकाल के लाएंगे और ले चलेंगे CTM, सिंपल स्टेप से CTM में ले चलेंगे। CTM किसे बोला जा रहा है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन को। अप्लाई द लोड ऑन ब्रेक इन CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन एट द रेट ऑफ 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। इस रेट से लोड को लगाएंगे तो एक टाइम आएगा जब वो फेल हो जाएगा, और जब फेल हो जाएगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम लोड, जितना मैक्सिमम लोड जो लगाया था आपने, मैक्सिमम लोड एट फेल्योर जब वो फेल हुआ है, और डिवाइडेड बाय लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक्स, जिस एरिया पे आपने लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक्स, जिस एरिया पे आपने लोड अप्लाई किया है, सिंपल। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, यहां से पता चल जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट चले हम लोग, ऐसे एक एक टेस्ट को कवर करते हुए चल रहे, बहुत आसानी से कवर कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चों। तो हम लोग सेकेंड टेस्ट पे चलते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये तो बहुत ही आसान सा टेस्ट है, हमने कई जगहों पे इस टेस्ट को कवर कर रखा है, अलग अलग मटेरियल का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट निकाल रखा है हमने, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे आप। कुछ भारी भरकम चीज नहीं है कि जो आप उठा नहीं पाएंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या करेंगे आप, जो ब्रिक है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है इसी की तो बात कर रहा है, यानी इस ब्रिक का सबसे पहले आपको ड्राई वेट चाहिए होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, ओवन में रखेंगे, ओवन में रखेंगे 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएंगे, ड्राई वेट पता चल गया आपको। अब इसी ब्रिक को आप 24 घंटे तक किस में रखेंगे, पानी में रखेंगे, तो पानी में रख के फिर निकाल के उसका वेट पता कर लेंगे, तो ड्राई वेट पता था, अभी वाला वेट पता चल गया, दोनों के डिफरेंस से परसेंटेज में आप क्या निकाल सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू निकाल सकते हैं।
ये सिंपल स्टेप्स है, बहुत आसान सा टेस्ट है। जैसे नोट करते हैं हम लोग वाटर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, और ये कितना होना चाहिए ये हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना बताया था आपको मैंने, 20%। सेकंड क्लास के लिए 22%। थर्ड क्लास के लिए मैक्सिमम कितना बताया था, 25%। तो वो कैसे निकाला जाएगा उसको यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, ब्रिक को किस में रखना होगा, पुट ब्रिक इन ओवन, ओवन एट 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से वो ड्राई वेट पता चल सके। देन रिकॉर्ड द वेट और ब्रिक दैट इज, मान लीजिए ये W1 है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, नाउ ब्रिक इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स एट 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे आप रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से ब्रिक्स को बाहर निकालेंगे, ब्रिक्स आर टेकन आउट ऑफ वाटर एंड वाइप्ड विथ अ, उसे साफ किया जाएगा, पानी लगा होगा ना, वाइप्ड विथ अ क्लॉथ एंड एंड वेटेड, यानी उसका वेट लेंगे आप, वेटेड एज W2। मान लीजिए वेट कितना हुआ W2, तो अब क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन 24 घंटे पे कितना हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल, ये तो आप सिंपल मैथ है, W2 माइनस W1 अपॉन में ड्राई के रिस्पेक्ट में W1 इंटू 100, इसी को क्या बोल देंगे आप, वाटर एब्जॉर्प्शन पे। सिंपल स्टेप से, कुछ खास बात नहीं है इसमें, आसानी से निकलेगा यहाँ पे। चल अब नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं हम लोग, थर्ड वन। थर्ड वन है डायमेंशन टेस्ट, इसी को क्या बोलते हैं, साइज टेस्ट। अब ब्रिक का जो साइज है वो कितना होना चाहिए हमने बात कर ली, तो वो साइज का है कि नहीं है उसे हमें चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, चलिए तो डायमेंशन टेस्ट, साइज टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ब्रिक का साइज चेक करना होगा तो उसके लिए आपको मिनिमम 20 ब्रिक्स लेने होंगे, मिनिमम 20 ब्रिक्स, 20 ब्रिक्स लेने होंगे जिस वजह से साइज चेक कर सकें आप। तो अगर आपको साइज चेक करना है, जैसे लेंथ चेक करना है, तो उन 20 ब्रिक को लेंथ वाइज आप एडजेसेंट में आप लगाते हुए चले जाएंगे और टोटल लेंथ चेक करेंगे। ऐसे ही आप विड्थ का भी देखेंगे, विपुल नमस्कार क्या हाल है, ऐसे ही आप विड्थ वाइज अगर देखेंगे तो 20 ब्रिक्स जो है विड्थ वाइज लगा लेंगे आप, ऐसे ही हाइट देखेंगे तो हाइट वाइज जो है लगा लेंगे। इस तरीके से मिनिमम 20 ब्रिक्स आपको लेने होंगे। जैसे अगर आप देखें मुझे लेंथ अगर चेक करना है, तो जो भी ब्रिक आप यूज करने जा रहे हैं उसका लेंथ सही है या नहीं है उसको चेक करना है, तो आप इन 20 ब्रिक्स को एडजेसेंट में लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से 20 ब्रिक्स जो है आप ले लेंगे टोटल।
मान लीजिए 20 ब्रिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो आप टोटल लेंथ देखेंगे, यहाँ पे टोटल लेंथ देखेंगे ये कितना आया। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो टोटल लेंथ कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, अगर एक ब्रिक का लेंथ 19 सेंटीमीटर है तो उस कंडीशन में कितने ब्रिक हैं, 20 हैं, कितना आना चाहिए, 38 सेंटीमीटर आना, सॉरी 380 सेंटीमीटर आना चाहिए, आना चाहिए। अभी देखते जाइए, विड्थ की बात करें ऐसे ही विड्थ का भी क्या करेंगे आप, विड्थ के अकॉर्डिंग जो है एडजस्टमेंट में लगाते हुए चले जाएंगे ब्रिक का, तो एक का अगर 9 सेंटीमीटर विड्थ है तो ऐसे टोटल है 20, तो कितना आना चाहिए, 180 सेंटीमीटर आना चाहिए। ऐसे ही हाइट की भी बात करें अगर हम लोग, तो हाइट भी कितना आना चाहिए, अगर एक का हाइट 9 सेंटीमीटर है तो टोटल 20 है तो 180 सेंटीमीटर आना चाहिए। लेकिन इसमें भी टॉलरेंस दिया जाता है, और टॉलरेंस जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, जैसे पहले में बात करें हम लोग लेंथ में अगर बात करें तो प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर का टॉलरेंस दिया जाता है। अगर विड्थ और हाइट दोनों में देखेंगे तो टॉलरेंस कितना दिया जाता है, 4 सेंटीमीटर का। टॉलरेंस का मतलब समझ रहे हैं कि इतना अगर ज्यादा भी लेंथ आ रहा है, प्लस में आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना माइनस में आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ब्रिक का साइज सही माना जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस है। अच्छा कल एग्जाम है तुम्हारा, हाँ आशीर्वाद बहुत ज्यादा है सतीश, और मेहनत भी तुमने बहुत किया है, तो आई होप एग्जाम में तुम अच्छे से फोड़ के आओगे एकदम, और कोई रोक नहीं पाएगा इस बार, इस साल तुम निकाल के रहोगे। देखो मेहनत कहीं जाता नहीं है, तुमने मेहनत बहुत ज्यादा किया है और करते रहना ऐसे ही, और जो लोग मेहनत करते हैं ना उनका एग्जाम निकलता है, कोई आशीर्वाद दे ना दे, लेकिन फिर भी मेरा आशीर्वाद बहुत ज्यादा है। ठीक है ठीक तो ये था साइज टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट। इसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि कितने मिनिमम ब्रिक लिए जाते हैं, वो मिनिमम 20 ब्रिक, और टॉलरेंस कितना दिया जाता है। चलिए अब हम लोग अगले टेस्ट पे चलते हैं, दैट इज फोर्थ वन है, फोर्थ वन है इफ्लोरोसेंस टेस्ट। इफ्लोरोसेंस टेस्ट में आप क्या पता करेंगे, व्हाइट पैचेस आपको पता करने हैं। और व्हाइट पैचेस किसकी वजह से आते हैं, यानी इफ्लोरोसेंस किसकी वजह से आते हैं, एल्कलीज की वजह से। तो क्या इसको हम लोग एल्कलीज टेस्ट भी तो बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, एफ्लोरोसेंस टेस्ट बोलिए या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्कलीज टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखिए कैसे पता किया जाता है, एक्चुअली हमें क्या देखना है, व्हाइट पैचेस देखने हैं। तो हम लोग काम ये करते हैं, ब्रिक लेते हैं और उस ब्रिक को हम लोग एक फ्लास्क लेंगे, ट्रे लेंगे, सॉरी एक ट्रे लेंगे, उसके अंदर पानी भर देंगे, और पानी जो भरेंगे आप वो कितनी हाइट तक भरेंगे, 25 मिलीमीटर डेप्थ तक भरेंगे। ठीक है, ट्रे लेंगे, हाइट कितना रहेगा, 25 मिलीमीटर हाइट तक पानी भर देंगे और उसके अंदर ब्रिक रख देंगे और उसे छोड़ देंगे। धीरे धीरे वो ब्रिक क्या करेगा, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा फिर उसके बाद आप पानी भर देंगे उसी हाइट तक, फिर वो वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। ऐसा आपको रिपीट करते रहना है, कितनी बार, 5 बार, जिस वजह से वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और जब ऐसा कर लेंगे 5 बार तो उसे निकाल करके आप एटमोसफेयर में रखेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर दिख जाएगा वो कि उसके अंदर व्हाइट पैचेस कितने बने हैं। वो व्हाइट पैचेस कितने एरिया पे बने हैं ये आपको देखना है, उस एरिया के बेसिस पे आप बताते हो कि फ्लोरोसेंस कैसा है, जैसे नील, स्लाइट, मॉडरेट, हैवी, सीवियर, इस तरीके से आप बताते हो कि किस टाइप का फ्लोरोसेंस है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 10% एरिया पे है तो किस टाइप का फ्लोरोसेंस है,
या फिर 50% से ज्यादा एरिया पे है तब किस टाइप का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अगर ब्रिक का एफ्लोरोसेंस या एल्कलीज टेस्ट करना है तो आपको ब्रिक को एक ट्रे में रखना होगा, और उस ट्रे का साइज क्या होगा, एंड्स ऑफ द ब्रिक, एंड्स ऑफ द ब्रिक आर केप्ट इन इन ग्लास डिश। साइज होगा इसका 180 × 180 × 40 मिलीमीटर फॉर एंड एंड इसमें ब्रिक रखा जाएगा, एंड डेप्थ डेप्थ कंटेनिंग डेप्थ कंटेनिंग 25 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर। पानी किस हाइट तक रखा जाएगा, 25 मिलीमीटर तक। डेप्थ ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, और ये क्या होगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, वाटर को भर देना है। वाटर इज अगेन अगेन फिल्ड फिल्ड टू 25 मिलीमीटर डेप्थ, फिर से 25 मिलीमीटर तक भर देना है, और ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। कितनी बार, रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 5 टाइम, 5 टाइम्स, 5 बार आपको ये प्रोसेस क्या करना है, रिपीट करना है। जब ये प्रोसेस आप रिपीट कर लेंगे उसके बाद से क्या करना होगा, आपको उसमें से बाहर निकाल के लाना होगा। ब्रिक्स आर एग्जामिन्ड, देखा जाएगा, एग्जामिन्ड एंड एरिया ऑफ व्हाइट पैचेस, एरिया ऑफ व्हाइट पैचेस इज मेजर्ड ऑन द ब्रिक। फिर कितने एरिया में ये पैचेस बने हैं वो मेजर कर लीजिए। जैसे अब इसको मेजर करने का फायदा ये है कि मैं क्या बोलूंगा कि फर्स्ट बोला जाएगा नील एफ्लोरोसेंस, कब बोला जाएगा, जब इस पे कोई भी व्हाइट पैचेस नहीं बनेंगे। तो डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरोसेंस इज, ऐसे लिख देता हूं, नो डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरोसेंस, यानी कोई भी एफ्लोरोसेंस के डिपॉजिट यानी व्हाइट पैचेस इस पे नहीं बन रहा है। सेकेंड, लाइट एफ्लोरोसेंस कब बोला जाए, जब 10% एरिया पे, ब्रिक के 10% एरिया पे व्हाइट पैचेस या डिपॉजिट एफ्लोरोसेंस के सफेद सफेद दिखेंगे तो उसी को हम लोग स्लाइट एफ्लोरोसेंस बोलेंगे। तो डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरोसेंस, डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरोसेंस, एफ्लोरोसेंस डज नॉट कवर, डज नॉट कवर मोर देन 10%, मोर देन 10% ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया, ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द ब्रिक। समझ में आई। सेकेंड हो गया। अब थर्ड, थर्ड मॉडरेट एफ्लोरेसेंस, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मॉडरेट एफ्लोरेसेंस में कितने परसेंट एरिया पे व्हाइट पैचेस बनते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो मॉडरेट एफ्लोरेसेंस किसे बोला जाएगा, जब डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस 10 से कहां तक पहुंचे, 50% तक। डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10% बट लेस देन 50% ऑफ एक्सपोज्ड एरिया
ऑफ एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ब्रिक। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। अब 50% के बाद भी हो गया तब क्या बोलेंगे आप, 50% के बाद वाले को बोला जाएगा हैवी एफ्लोरेसेंस। हैवी एफ्लोरेसेंस में क्या होगा, मोर देन 50% होगा। तो डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस, डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरोसेंस, एफ्लोरोसेंस इज मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ब्रिक। अब फिफ्थ जो है एफ्लोरोसेंस, जैसे सीवियर एफ्लोरोसेंस बोला जा रहा है, सीवियर एफ्लोरोसेंस किसे बोला जाएगा, जब ये डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरोसेंस व्हाइट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या गिरने लग जाते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है सीवियर एफ्लोरोसेंस। तो डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स आर हैवी विथ, हैवी विथ पाउडरिंग यानी पाउडर फॉर्म में, और या फिर सरफेस जो है वो टूटने लग जाएगा, वहां से निकलने लग जाएगा, और फ्लेकिंग ऑफ सरफेस। तो इसे क्या बोला जाएगा, सीवियर इफ्लोरेसेंस बोला जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये टेस्ट है जो मेन जो है, चार टेस्ट है, बाकी टेस्ट आप देख चुके हो। वैसे भी अगर आप टेस्ट में काउंट करना चाह रहे हो तो हार्डनेस टेस्ट, फिंगर नेल से स्क्रेच करने पे कोई भी निशान नहीं बनने चाहिए, वो भी एक टेस्ट में काउंट कर सकते हैं। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट किसे बोल रहे हैं, जब दो ब्रिक को स्टक कर रहे हैं तो कैसा साउंड आना चाहिए, मेटेलिक रिंगिंग साउंड, और थर्ड क्लास ब्रिक में कैसा आना चाहिए, डल साउंड, उसको भी देख चुके हैं। एक हाइट से गिराने पे कौन सी हाइट थी, वो 1 मीटर हाइट से अगर हार्ड सरफेस पे गिरा रहे हैं तो ब्रिक नहीं फेल होना चाहिए, तो कौन सा टेस्ट हो गया, टफनेस टेस्ट या इम्पैक्ट टेस्ट। तो लिखने को ये भी तीनों टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे कवर कर लिया है किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में। ठीक है, तो ये मेन जो चार छूटे थे उसको भी हमने कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, डिफेक्ट्स इन ब्रिक। डिफेक्ट्स इन ब्रिक, ब्रिक के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। देखिए, आपको कंपोजिशन बताया था तो उसके साथ साथ हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी बताया था मैंने। तो ब्रिक के अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, उस पर बात हमने कर लिया। अब ब्रिक के अंदर डिफेक्ट कितने टाइप के आ सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर देखी जाए, सबसे पहला डिफेक्ट क्या बोलते हैं आप इसे, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है, ब्लोटिंग का मतलब हुआ कि किसी ब्रिक के सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो एक स्पॉन्जी स्वेलन मास बन जाता है, जैसे फूला हुआ स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि आप उसे प्रेस करोगे तो टूट के गिर भी सकता है। तो इस टाइप का मास क्रिएट होता है, उसी को ब्लोटिंग बोला जाता है। और ये किसकी वजह से आता है, सल्फर की वजह से आता है। तो इसे पॉइंट को एक एक लाइन बस लिखते हुए चलते हैं। दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एज स्पॉन्जी सोलन मास ओवर द सरफेस ऑफ बर्न्ट ब्रिक। बर्निंग के बाद दिखेगा ये, पहले मत देखने लग जाओ। किसके वजह से आता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू सल्फर इन ब्रिक क्ले। जब आप क्ले बना रहे हैं उसमें अगर सल्फर आ जाता है तो उसी की वजह से ये क्या आता है, स्पॉन्जी स्वेलन मास आता है। चलिए सेकेंड डिफेक्ट देखते हैं, चप्स। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चप्स। चप्स क्या होता है, जब किसी गर्म ब्रिक पे बारिश का पानी गिर जाता है, हॉट ब्रिक पे रेन वाटर गिर जाता है,
तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चप्स बोलते हैं। तो डिफॉर्मेशन ऑफ द सेप, सेप में जो खराबी आ रही है, डिफॉर्मेशन ऑफ द सेप, डिफॉर्मेशन ऑफ द सेप ऑफ ब्रिक, ऑफ ब्रिक कॉज्ड बाय रेन वाटर फॉलिंग ऑन, रेन वाटर फॉलिंग ऑन ब्रिक्स, ऑन हॉट ब्रिक्स इज नोन एज चप्स, इज नोन एज चप्स। चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड वन। थर्ड वन क्या बोलेंगे आप? क्रैक्स। ये क्रैक्स एक हेयर लाइन है जो ब्रिक सरफेस के ऊपर आ सकता है या ब्रिक के बीच में आ सकता है। वो किसकी वजह से आएगा? इसके दो रीजन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक क्या था, लम्स ऑफ लाइम। अगर लम्स यूज कर ले रहे हैं लाइम का तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जिस वजह से क्रैक्स आ सकते हैं। दूसरा क्या, एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी मिलाएंगे तो सिंकेज उतना ही ज्यादा होगा जिस वजह से क्रैक्स आ सकते हैं। तो क्रैक्स जो आते हैं ब्रिक के अंदर, इट इज ड्यू टू एक्सेस वाटर इन क्ले, जब ब्रिक का क्ले बना रहे थे आप उसमें, और लम्स ऑफ लाइम, या फिर लम्स लाइम का लम्स के रूप में यूज कर ले रहे हैं तब। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों होता है ये सारी चीजें। फोर्थ डिफेक्ट क्या आ सकता है? इफ्लोरोसेंस। फिर से इफ्लोरोसेंस भी आपको मैं बता चुका हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। व्हाइट पैचेस किस वजह से आते हैं? इट इज ड्यू टू एल्कलीज। और एल्कलीज जनरली किस फॉर्म में होते हैं? सोडा और पोटास के रूप। नेक्स्ट क्या है? ब्लिस्टर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जनरली आपको सीवर पाइप्स या ड्रेन टाइल्स में देखेंगे। ये क्यों होते हैं? आपको ये दिखेगा क्यों, ब्लिस्टर जो है लाल कलर के धब्बे टाइप के जो बनते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये क्यों दिखता है? इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं हम लोग। ब्रोकन ब्लिस्टर्स आर जनरली कॉज्ड ऑन द सरफेस, कॉज्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ सीवर पाइप्स एंड ड्रेन टाइल्स ड्यू टू एयर इंट्रैपमेंट ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग, मोल्डिंग के दौरान अगर ऐसा होता है तो। और क्या डिफेक्ट आ सकते हैं? ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक, ये भी डिफेक्ट आपको जाना पहचाना लग रहा है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। जब ब्रिक की बर्निंग एक्सेसिव, क्रैक्स ऑल्सो अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। हाँ, लॉस ऑफ मॉइस्चर के चलते ही अगर होता है, मैं बोला जैसे एक्सेस मॉइस्चर आपने डाल दिया ना उसके अंदर, तो जब ज्यादा मॉइस्चर चला जाएगा, वाटर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो तो बाद में सूखेगा, जब सूखेगा तो उसमें से मॉइस्चर निकलेगा, तो लॉस ऑफ मॉइस्चर हो रहा है ना।
पहले तो आपने मिला दिया, वो बाद में सूखेगा तो मॉइस्चर निकलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे आप, लॉस ऑफ मॉइस्चर बोलेंगे। तो जब वो निकलेगा तो खाली जगह छोड़ेगा, जिस वजह से सिंकेज होगा, और सिंकेज की वजह से क्या होंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। तो लॉस ऑफ मॉइस्चर ही है रीजन रीजन, लेकिन उसके पहले और ओरिजिन पे जाओगे तो आप जितना ज्यादा पानी मिलाओगे उतना ही ज्यादा लॉस ऑफ मॉइस्चर भी होगा और उतना ही ज्यादा क्रैक्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो आप। ओवर बर्निंग और ब्रिक्स, इसमें क्या होता है, ब्रिक ओवर बर्न हो जाता है, ज्यादा बर्न हो जाता है, जिस वजह से ब्रिक कैसा मिलेगा आपको, ब्रिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो ओवर बर्निंग की वजह से बिटल नेचर का मिलेगा और उसका शेप पूरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस पॉइंट को नोट करते हैं हम लोग। इफ द ब्रिक आर इफ द ब्रिक्स आर ओवर बर्न, देन ब्रिक्स लूजेस देयर शेप एंड इट बिकम्स ब्रिटल इन नेचर। ठीक, ये सारे डिफेक्ट हैं जो ब्रिक के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक, दैट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग, स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहला, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी किए थे उस दिन, हैवी ड्यूटी बंट ब्रिक। देखिए हैवी ड्यूटी बंट ब्रिक क्या है, नॉर्मल जो ब्रिक है वही है, उसी सारा प्रोसेस उसी में है, लेकिन कुछ ब्रिक ऐसे इसमें से होते हैं जिनमें प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है, जिस वजह से अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छा इसके अंदर हर एक प्रॉपर्टी होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। तो इसी में दो आते हैं, एक होता है क्लास 40 और एक होता है क्लास 45। प्रोसेस सब कुछ वही रहता है जैसे नॉर्मल ब्रिक का रहता है, वही सब कुछ रहता है। दीज ब्रिक्स आर सिमिलर टू बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, लेकिन इसमें कुछ क्वालिटी और अच्छी मिल जाती है। उन जैसे 1000 ब्रिक है उसमें से 10 ब्रिक जो होंगे उनके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन कम, ये सारी प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाती है। तो उनको अलग करते हैं और उनको दो ग्रेड में रखते हैं, क्लास 40 क्लास 45। आपको नाम से तो पता चल गया होगा, 40 का मतलब होगा कि इसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस ग्रेड का, इस ब्रिक का कितना होगा, 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और क्लास 45 का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये ग्रेड से पता चल गया, बाकी प्रोसेस वही है, सब कुछ जैसे उस ब्रिक को बनाया जा रहा है सब कुछ वही है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे ब्रिक निकल जाते हैं। तो इस पॉइंट को लिख दे रहा हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो, दीज ब्रिक्स आर सिमिलर टू These bricks are similar to burnt clay bricks. Burnt clay bricks. ठीक, अब इसमें अगर आप बात करेंगे ना, अगर इसमें देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन इस ब्रिक में शुड नॉट बी ग्रेटर देन
शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%, 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा। एफ्लोरोसेंस इसमें देखेंगे तो वो नील होता है। एफ्लोरोसेंस नील का मतलब अब समझ में आ गया होगा आपको, अभी मैंने जो टेस्ट कराया उसे समझ में आ गया होगा, नील मतलब एक भी व्हाइट पैचेस नहीं दिखेंगे आपको। उसके साथ साथ अगर इसकी बल्क डेंसिटी देखेंगे, बल्क डेंसिटी देखेंगे तो वो होती है कितनी, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई। पहला क्लासिफिकेशन स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक का, स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो ये उन जगहों पे यूज होगा, फेस वर्क में यूज होगा जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब दूसरे टाइप पे आते हैं हम लोग। दूसरा टाइप है अगर देखा जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टरी ब्रिक, इसे बोला जाएगा क्या, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक को ही हम लोग फायर क्ले ब्रिक नाम से भी जानते हैं, फायर क्ले ब्रिक नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज फायर क्ले ब्रिक। देखिए क्या है, इस ब्रिक के अंदर हम लोग देखा जाए तो ये ज्यादा टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकता है और इसकी बर्निंग भी हम लोग ज्यादा टेम्परेचर पे करते हैं। तो फिर आपके मन में एक डाउट आएगा कि अगर ज्यादा टेम्परेचर पे बर्निंग कर रहे हैं तब तो सेब खराब हो जाएगा। देखिए जो बर्निंग टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं वो कौन से बढ़ाने की बात मैं बोल रहा हूँ, जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल फ्यूज हो जा रहा है उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो ओवर बर्निंग है। अगर मैं पार्टिकल को फ्यूज कराने की बात कर रहा हूँ तो आपको याद हो तो मैंने बताया था कंपोजिशन में कि नॉर्मली जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे सिल्का फ्यूज होता है वो 1700 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूज होता है। तो हम लोग लाइम मिला देते हैं, लाइम फ्लक्स के तरीके से काम करता है, वो कम टेम्परेचर पे ही फ्यूज करा देता है। अगर हम लाइम को कम मिलाए या ना मिलाए तो उस कंडीशन में फिर से बर्निंग किस पे होगी, 1700 पे ही होगी और उस पे ओवर बर्निंग नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल फ्यूज होने के बाद अगर बर्निंग कर रहा हो तब ना ओवर बर्निंग हुआ। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, 1700 डिग्री सेल्सियस तक बर्निंग करते हैं, पार्टिकल को 1700 डिग्री सेल्सियस में फ्यूज कराते हैं और उसके बाद से यूज करेंगे तो 1700 डिग्री सेल्सियस तो आराम से टेम्परेचर रजिस्ट कर ही लेगा ये। तो इसीलिए इसे फायर रजिस्टेंट ब्रिक भी बोला जाता है और फायर क्ले ब्रिक भी बोला जाता है, फायर क्ले ब्रिक या फायर रजिस्टेंट ब्रिक भी बोला जाता है। तो कैसे बनाएंगे, इसका कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिया जाएगा, सिल्का, सिल्का जो 50 से 60% लिया जा रहा था नॉर्मल ब्रिक में, इसमें थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 55 से 75% तक कर लेते हैं आप। उसके बाद से एल्यूमिना 20 से 30% लिया जा रहा था नॉर्मल ब्रिक में, इसमें 20 से 35% तक ले लेते हैं आप। और आयरन ऑक्साइड आप ले रहे थे कितना, 5 से 6%, तो इसके कंटेंट को हम लोग कम कर लेते हैं, आयरन ऑक्साइड के कंटेंट को हम लोग कम कर लेते हैं और वो कितना लेते हैं आप, 2 से 5% तक। और उसके बाद मैग्नीशिया जो ले रहे थे आप, मैग्नीशिया जो ले रहे थे आप वो 1% ले रहे थे, मैग्नीशिया 1%, तो यहाँ पे मैग्नीशिया प्लस लाइम प्लस एल्कलीज ये सब मिला के कितने होंगे आपके, 1% तक होंगे। समझ गए बात को। अब इस वजह से ये कम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा। कितने टेम्परेचर पे फ्यूज होगा या मेल्ट होगा, 1700 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जिस वजह से इसके अंदर फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो बर्न एट 1700 डिग्री सेल्सियस। तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो रहा हो। जैसे यूज की बात अगर आप करेंगे तो इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो रहा हो, जैसे आप भट्टी में यूज कर सकते हैं इसका, फर्नेस में, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है ना, ऐसे जगहों पे जो वॉल बनाएंगे आप, वहां पे जो वॉल होगी उसमें इस वॉल उस वॉल में ब्रिक, इस ब्रिक को आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, तीन तरीके के ब्रिक आते हैं, एसिड, इसमें भी अगर आप देखेंगे टाइप्स देखेंगे, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक आता है, सेकंड
बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक आता है एंड थर्ड न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक, नाम से पता चल जा रहा होगा आपको ब्रिक यूज होता है। ठीक, तो इस तरीके से ब्रिक आते हैं। अब हम लोग अपने थर्ड वन पे चलते हैं, थर्ड वन है परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड ब्रिक आपने देखा होगा सर, ये ज्यादातर दिख जाता है सीवर पाइप्स में, इन सारे जगहों पे यूज होता है। मैं फिगर बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से आपको दिखता हो। इस तरीके से दिखता है आपको परफोरेशन, सिलेंड्रिकल होल से दिखते हैं उसी को परफोरेशन बोला जाता है, और ये जो बना रहता है जिसके ऊपर उसी को परफोरेटेड ब्रिक बोला जाता है। परफोरेशन जो होगा ऐसे में लिखूं अगर, तो इसे क्या बोल सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल होल्स, सिलेंड्रिकल होल्स होंगे उसी को बोला जाता है क्या, परफोरेटेड ब्रिक। अब इसमें बात करी जाए तो ये परफोरेटेड ब्रिक में परफोरेशन देख रहे हैं आप, ये कितने एरिया पे दिया जाता है, तो परफोरेशन एरिया, टोटल जो परफोरेशन एरिया है, एरिया शुड बी 32-45%, 32-45% ऑफ द फेस एरिया, एरिया ऑफ ब्रिक, जो भी ब्रिक का फेस एरिया है उसके 30-45% एरिया पे आप परफोरेशन देते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, परफोरेशन जब देते हैं तो इस वजह से इसके अंदर क्या जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, हीट एंड साउंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, हीट एंड साउंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर जनरेट होती है। ठीक, अब बात समझ में आ गई कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, तो फिर इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग, यूज उन जगहों पे करिए जहां पे हीट और साउंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी चाहिए आपको। जैसे आप इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, किसी भट्टी में कर सकते हैं, किल्न या फर्नेस में कर सकते हैं आप, ऑडिटोरियम में कर सकते हैं, ऑडिटोरियम में भी आपको साउंड प्रूफ अगर बनाना हो तो इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, या सीवर पाइप्स में भी यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह पे आप हॉलो दे दे रहे हैं तो हॉलो ब्रिक्स भी बोल देंगे उसको। ठीक, अगर आप इस वजह से देख लिया आप इसको, इसी को हम लोग हॉलो ब्रिक बोल सकते हैं। किस कंडीशन में, आप परफोरेशन की बजाय बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, यूज वही रहेगा, बस हॉलो दे दीजिए आप, परफोरेशन की बजाय आप क्या करिए, हॉलो दे दीजिए इस तरीके से। ये भी ब्रिक आपने देखा होगा सर। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी हीट इंसुलेटिंग थर्मल साउंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी आएगी, इसका भी यूज किल्न ऑडिटोरियम सीवर पाइप में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हॉलो देते हैं वो एरिया अगर आप देखेंगे, हॉलो एरिया शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% ऑफ फेस एरिया ऑफ ब्रिक, 50% से ज्यादा एरिया पे आप नहीं दे सकते, फेस एरिया की बात कर रहा हूँ जो एरिया है। ठीक, और इसमें देखिए कितने टाइप के और ब्रिक हो सकते हैं। नेक्स्ट ब्रिक जो होगा उसे बोलते हैं हम लोग सैंड लाइम ब्रिक। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान दे दीजिएगा, इसमें एक और लाइन पूछा जाता है कि परफोरेटेड ब्रिक जो होता है इसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक वो कितना होता है, 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। परफोरेटेड ब्रिक के बाद नेक्स्ट है सैंड लाइम ब्रिक। या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, फ्लाई एस ब्रिक। नाम से पता चल गया आपको शायद, फ्लाई एस का यूज करेंगे इसमें। क्या कंपोजिशन होगा इसको ध्यान दीजिए अगर आप, तो इसके अंदर होगा सैंड, फ्लाई एस और लाइम। इसके अंदर जो मिक्सचर होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, फ्लाई एस एंड लाइम, जिसमें सैंड कितना होता है, सैंड अगर आप देखेंगे तो 10%, अगर फ्लाई एस देखेंगे आप तो वो कितना होता है, 80%, और लाइम अगर आप देखेंगे तो वो कितना होता है, 10%। तो इसमें फ्लाई एस की क्वांटिटी आप देख सकते हैं ज्यादा है, जिस वजह से सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जनरेट होगी क्योंकि साथ में लाइम भी है। तो इस ब्रिक को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैंड लाइम ब्रिक बोल देते हैं, सिंपल। इसका कंपोजिशन आपको समझ आ गया। ऑटो क्लेव्ड ब्रिक नेक्स्ट है, ऑटो क्लेव्ड ब्रिक। अगर ब्रिक को हम लोग ऑटो क्लेव में रखते हैं तो उसी ब्रिक को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटो क्लेव्ड ब्रिक बोल देते हैं। जैसे ये ब्रिक है ना, सैंड लाइम ब्रिक, या फिर आप इसे कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक भी बोलते हैं, इसी के, क्योंकि इसमें पूरा क्या चलेगा, इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस चलेगा। अगर इसी ब्रिक को आप ऑटो क्लेव में रख रहे हैं 3 दिनों तक, तो उसके बाद ब्रिक को यूज कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है क्या, ऑटो क्लेव्ड ब्रिक, फ्लाई एस ब्रिक आर पुट इन द ऑटोक्लेव फॉर 3 डेज देन दिस ब्रिक इज कॉल्ड ऑटोक्लेव्ड ब्रिक। ऑटो क्लेव्ड ब्रिक, और ये ब्रिक जो होता है परफेक्ट ब्रिक होता है, सबसे अच्छा ब्रिक होता है, परफेक्ट ब्रिक। तो ये स्पेशल टाइप के ब्रिक हो गए। अब हम लोग चलते हैं किस पे, नेक्स्ट मोर्टार। अब आते हैं, बात करते हैं। देखिए अब ब्रिक का जो बचा हुआ पोर्शन मैं बोल रहा था वो कवर हो गया। अब मोर्टार को समझना होगा। क्यों मोर्टार को समझना होगा, तभी आप समझेंगे ब्रिक मेजोनरी। अभी इसके बाद हम लोग दीवार बनाएंगे, वॉल बनाएंगे। तो ब्रिक समझ लिया कैसे बन रहा है, कितने टाइप का ब्रिक है ये समझ लिया, मोर्टार को समझ लेते हैं, फिर दोनों के हेल्प से हम लोग दीवार बनाएंगे, वॉल बनाएंगे, दैट इज मेजोनरी। ठीक। अब मोर्टार क्या है, मोर्टार एक मिक्सचर है जिसके अंदर एक बाइंडिंग मटेरियल होगा और एक एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट कौन सा होगा, फाइन एग्रीगेट होगा। बाइंडिंग मटेरियल जो आपका मन करे, सीमेंट, लाइम, जिप्सम, सुरखी, मट, जो भी मन करे वो यूज करिए, और साथ में एक फाइन एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो उसी के मिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। सिंपल डिफिनेशन पहले नोट करते हैं हम लोग, मोर्टार किसे बोला जाता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अतुल, लाइक करो वीडियो को। मोर्टार इज डिफाइंड एज अ पेस्ट, डिफाइंड एज अ पेस्ट या मिक्स, एज अ पेस्ट और मिक्स, मिक्स ऑब्टेंड बाय, ऑब्टेंड बाय एडिंग वाटर टू, एडिंग वाटर टू
मिक्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट में कौन सा? फाइन एग्रीगेट। बाइंडिंग मटेरियल में कुछ भी हो सकता है। अब सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार। अलग अलग तरीके से आप मोर्टार को देख सकते हैं। जैसे मोर्टार जोड़ने का काम कर रहा है, ब्रेक मेसनरी में यूज करेंगे हम लोग, तो उससे पहले हम लोग जान लें कि कितने टाइप के मोर्टार होते हैं। जैसे सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी के बेसिस पे देखेंगे अगर आप, तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ए हैवी मोटर, एंड बी लाइट वेट मोटर। तो हैवी मोटर का अगर आप डेंसिटी देखेंगे तो वो कितना होता है? डेंसिटी ग्रेटर देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लाइट वेट मोटर का डेंसिटी लेसर देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर मीटर क्यूब। इसी को क्या बोल देंगे? लाइट वेट। बाकी आपको डिफरेंस समझ आ गया, तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड सेकेंड हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बाद काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल। बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल में सबसे पहले आएगा क्या? सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार में इन विच इन विच सीमेंट इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल एज बाइंडिंग मटेरियल विथ फाइन एग्रीगेट एंड वाटर। तो उसी को क्या बोल देते हैं आप? सीमेंट मोर्टार बोल देते हैं। अब सीमेंट मोर्टार देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ चेक करना आपने सीख लिया है। सीमेंट जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें देखे होंगे सीमेंट के साथ ही तो सैंड मिलाकर के आपने स्ट्रेंथ चेक किया था, जिसमें 1:3 का प्रोपोर्शन निकाला था, ये सारा प्रोसीजर किया था। तो वही चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। तो चीजें वही है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल क्या आ गया है? सीमेंट आ गया है। दूसरा, बाइंडिंग मटेरियल क्या ले सकते हैं आप सीमेंट की बजाय? लाइम ले सकते हैं। तो लाइम मोर्टार, लाइम को भी आप यूज किए लाइम चैप्टर में, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो इसमें क्या होगा? इन विच लाइम इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल विथ एग्रीगेट, लिख रहा हूं आप समझ जाइए, फाइन एग्रीगेट ही यूज होता है, विथ एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक, तो लाइम का भी प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा है। लाइम में फैट लाइम हाइड्रोलिक लाइम ले सकते हैं। तो फैट लाइम हाइड्रोलिक लाइम में डिफरेंस बता दिया हूं कि कौन सा अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोलिक लाइम अच्छा होगा। उसके बाद से मैंने बताया है कि हाइड्रोलिक लाइम में भी कौन सा अच्छा होगा, उसकी भी बात की है मैंने, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम की बात करी है हमने। तो इस तरीके से सारी बातें बता दिया हूं, लेकिन एक चीज यहाँ पे और बता दे रहा हूं मैं कि जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसका मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम मोटार शुड नॉट बी लेस देन
सो नॉट बी लेस देन 1.05 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब थर्ड वन पे बात करते हैं, सीमेंट मोर्टार हो गया, लाइम मोर्टार हो गया, थर्ड वन क्या आ जाएगा, गेज्ड मोर्टार। ये बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे देख रहे हैं आप, गेज्ड मोर्टार। गेज्ड मोर्टार किसे बोला जाता है, जब लाइम मोर्टार में आप सीमेंट यूज कर लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज्ड मोर्टार बोलते हैं। तो इंप्रूव इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइम मोर्टार लाइम मोर्टार एंड एंड टू अचीव अर्ली स्ट्रेंथ इन मोर्टार। लाइम मोर्टार में ही हम क्या ऐड कर देंगे, वी एडेड सीमेंट। यानी जो लाइम मोर्टार था उसी में सीमेंट भी ऐड कर दिया आपने, जिसकी वजह से क्वालिटी अच्छी हो सके, स्ट्रेंथ जल्दी मिल सके, तो उसी मोर्टार को हम लोग क्या बोल देते हैं, गेज्ड मोर्टार बोल देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो कई बार ये लोग बोल देते हैं कि मिक्स्ड मोर्टार ऑप्शन में रहता है तो वही लगा देते हैं लोग। तो ध्यान दीजिएगा, गेज्ड मोर्टार वो मोर्टार जिसमें सीमेंट और लाइम दोनों हो, यानी लाइम मोर्टार में आपने क्या ऐड कर दिया, सीमेंट भी ऐड कर दिया, जिस वजह से आपको स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। चलिए और चौथा देखिए क्या ले सकते हैं आप, गेज्ड मोर्टार हो गया, सीमेंट मोर्टार हो गया, लाइम मोर्टार हो गया, नेक्स्ट सुर्खी मोर्टार। सुर्खी मोर्टार, सब मोर्टार के क्लासिफिकेशन देख रहे हैं आप, तो सुर्खी मोर्टार में क्या यूज करेंगे, सुर्खी क्या है, ये मैंने बात करी थी आपसे। सुर्खी क्या होते हैं, एक पोजलैनिक मटेरियल होते हैं ये इनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लाइम भी यूज करना पड़ेगा। और अगर आप ये यूज कर रहे हैं सुर्खी, तो ये पूरा का पूरा सुर्खी भी यूज करेंगे आप, इसमें सैंड नहीं यूज करेंगे, तो दोनों तरीकों से देख सकते हैं। तो इसमें मेनली जो यूज किया जाता है, आप लीजिए सुर्खी क्योंकि पोजलैनिक मटेरियल है, इसके साथ फैट लाइम ले लीजिए, आप फैट लाइम ले लीजिए और प्लस सैंड ले लीजिए, काम आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई, ये पहले जितने भी मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे उसमें सब में क्या यूज होता था, ज्यादातर क्या यूज होता था, सुर्खी मोर्टार यूज होता था। नेक्स्ट अगर बात करी जाए फिफ्थ वन, तो जिप्सम मोर्टार। तो इसमें बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे क्या लिया जाएगा, इसमें बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे क्या लिया जाएगा, जिप्सम लिया जाएगा। जिप्सम इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल, पहले यूज होता था, अभी तो सब ये खत्म हो गया, मेन सीमेंट मोर्टार आपको देखेगा। नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं आप बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे, मड मोर्टार। मड मोर्टार का मतलब समझ रहे, क्ले मिट्टी और पानी, अभी भी गांव में दिख सकता है शायद आपको मड मोर्टार यूज होता हुआ दिख सकता है आपको, ठीक है। तो ये जो है आपके क्लासिफिकेशन हुए, लेकिन अब क्लासिफिकेशन में एक चीज समझिए, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो सीमेंट मोर्टार यूज होता है, ठीक है। अभी एक और तरीके से मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे सुनिए, जैसे कुछ वर्क होते हैं अब उसमें प्रोपोर्शन क्या लिया जाता है, सीमेंट मोर्टार अगर आप ले रहे हैं तो सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन क्या लिया जाता है, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। तो एक जनरल आइडिया दे दे रहा हूं आपको, जैसे अगर मैं बात करूं काम की बात करूं, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं कौन कौन से काम हो सकते हैं, जैसे अगर लोड बेयरिंग वॉल की बात करूं, ये तो पढ़ चुके हैं आप कि लोड बेयरिंग वॉल क्या होता है, लोड बेयरिंग वॉल, और सेकेंड मैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल भी लिख दे रहा हूं, ठीक। तो लोड बेयरिंग वॉल के कंडीशन में आप कितना लेंगे प्रोपोर्शन, 1:3, 1 सीमेंट होगा, 3 सैंड होगा, और इसमें 1:6 तक ले सकते हैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल में। लेकिन ध्यान रहे, जब आप वॉल की थिकनेस कम करेंगे उस कंडीशन में ले सकते हैं, और 19 सेंटीमीटर का वॉल है उस कंडीशन में मैं बता रहा हूं आपको। और क्या देख सकते हैं आप,
फेस वॉल, फेस वॉल का मतलब समझ रहे हैं, एक्सटीरियर वॉल, जो बाहर की वॉल है, जो वेदर के अटैक को रजिस्ट कर रहा है, वहां पे प्रोपोर्शन क्या यूज होगा, 1:3। और बताइए और कहां पे देख सकते हैं आप, जैसे पॉइंटिंग वर्क की बात करें, पॉइंटिंग वर्क मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा आपको, फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज पॉइंटिंग वर्क में करते हैं, वहां डिस्कस किया था हमने। तो पॉइंटिंग वर्क में प्रोपोर्शन क्या लेंगे आप, 1:1:1:2:2, 1:1:2:2 लिया जाता है पॉइंटिंग वर्क में। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट ग्राउटिंग वर्क। ये ग्राउटिंग क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, हालांकि आइडिया होगा। ग्राउट मतलब इंजेक्ट करना, जब मोर्टार किसी अंदर कहीं हल्का सा अगर क्रैक्स दिख गया तो उसके अंदर मोर्टार को इंजेक्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में प्रोपोर्शन क्या लेते हैं, तो वही सेम रहता है, 1:1:2 के आसपास। और अगर आप ग्यूनिटिंग वर्क बोला जाता है, जिसमें स्प्रे किया जाता है, मोटार को स्प्रे किया जाता है किसी सरफेस पर, और उसमें जनरली प्रोपोर्शन कितना लिया जाता है, 1:3 प्रोपोर्शन लिया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे देख सकते हैं आप, नॉर्मल ब्रिक वर्क अगर आप देखेंगे, नॉर्मल ब्रिक वर्क, इसमें प्रोपोर्शन कितना लिया जाता है, 1:6 लिया जाता है। उसके बाद से अगर आप ग्यूनिटिंग हो गया, नॉर्मल ब्रिक वर्क हो गया, और उसके बाद से देखा जाए अगर प्लास्टिंग में देखेंगे आप, अगर प्लास्टिंग, तो 1:4 से लेके 6 तक लिया जाता है, ठीक है। फाउंडेशन में देखेंगे अगर आप, वन रेशियो 4 के आसपास लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोपोर्शन हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से पूछा जाता है कि कितना प्रोपोर्शन लिया जा रहा है, ठीक। बाकी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेंथ अगर सीमेंट मोर्टार का चेक करना हो तो कर सकते हैं, जैसा सीमेंट का यूज किया था वैसा ही, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं एक दो पॉइंट आपको बता रहा हूं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार कर रहे हैं तो हम लोग कोड के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो कोड के अकॉर्डिंग जो है मोर्टार को क्लासिफाई किया गया स्ट्रेंथ के बेसिस पे, यानी नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो देखिए यहां पे ग्रेड ऑफ मोर्टार, और उसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जैसे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कितने ग्रेड होते हैं मोटार के, H1, H2, M1, M2, M3, L1, L2, ये सारे ग्रेड हैं मोटार के। ये सब किसके बेसिस पे बताए गए हैं, स्ट्रेंथ के बेसिस पे बताए गए हैं। इनके इनको इससे मतलब नहीं है कि बाइंडिंग मटेरियल क्या है, वो बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट भी हो सकता है, लाइम भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है उनको। उनको अगर 28 दिनों पे इतना स्ट्रेंथ मिल रहा है तो उस मोटार को क्या बोलेंगे, H1 बोलेंगे या फिर H2 बोलेंगे, इस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। जैसे अगर आप H1 के लिए देखेंगे तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। H2 के लिए देखेंगे तो 6 से लेके 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बीच के रेंज का है, तो ये H2 होगा, और 3 to 5 के बीच का है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, तो M1 होगा। M2 का देखेंगे अगर आप, तो 2 to 3 होगा, 2 to 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M3 का 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, L1 का
0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, L2 का 0.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अगर स्ट्रेंथ है तो इसे आप इस ग्रेड में रखें। अब चलते हैं हम लोग मोर्टार, जब आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्शन ऑफ मोर्टार ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिलेक्शन ऑफ मोर्टार, तो जब मोर्टार सेलेक्ट करते हैं तो कहां पे किस वर्क के लिए कैसा यूज करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने चलते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं फर्स्ट प्लास्टर्ड, प्लास्टर वर्क, तो अगर आप प्लास्टिंग के लिए मोर्टार यूज करते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप सीमेंट मोर्टार यूज करेंगे, हालांकि मैंने इसका प्रोपोर्शन बताया, अगर आप सीमेंट, इसमें सीमेंट मोर्टार भी यूज कर सकते हैं, लाइम मोर्टार भी यूज कर सकते हैं, तो अगर आप सीमेंट मोर्टार यूज करेंगे तो 1:3:4 के आसपास ले सकते हैं आप, हालांकि प्रोपोर्शन मैंने बताया। अगर प्लास्टर वर्क में आप लाइम मोर्टार भी यूज कर सकते हैं, तो मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, तो उस कंडीशन में आप जो है 1:2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पॉइंटिंग वर्क की बात करूं, पॉइंटिंग वर्क, तो पॉइंटिंग वर्क में आप जो है लाइम मोर्टार यूज नहीं कर सकते, वहां पे क्या यूज किया जाता है, सीमेंट मोर्टार यूज किया जाता है। और वहां पे जो सीमेंट मोर्टार यूज किया जाता है वो किस प्रोपोर्शन का यूज किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अगर सीमेंट मोर्टार यूज हो रहा है वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया, 1:1 से लेकर के 2 तक यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं री इन्फोर्स्ड ब्रिक वर्क, ये रीइंफोर्स ब्रिक वर्क मैंने आपको बताया था, जैसे स्लैब बना रहे हैं तो ब्रिक को लेयर वाइज, ब्रिक को एजेस के लॉन्ग या सरफेस के लॉन्ग रख दिया, बीच में रीइंफोर्समेंट दे दिया, मोर्टार भर रहे हैं, तो उसमें अगर आप मोर्टार यूज करेंगे तो वो किस टाइप का मोर्टार होगा, तो वहां पे भी सीमेंट मोर्टार ही यूज करते हैं आप। और वो किस प्रपोर्शन का होता है ये प्रपोर्शन वहां पे मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ पे जान लीजिए 1:3 प्रपोर्शन यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 1:3 प्रपोर्शन यूज किया जाता है। अब मैं और अगर बताऊंगा आपको, जैसे डैम प्रूफ कोर्सेज बना रहे हैं या सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहे हैं, डैम प्रूफ कोर्सेज, या फिर सीमेंट कंक्रीट रोड्स बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप सीमेंट मोर्टार यूज करते हैं 1:2 प्रोपोर्शन का, सीमेंट मोर्टार यूज करते हैं 1:2 प्रोपोर्शन का। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कुछ चीजें, लेकिन कुछ चीजें नहीं है जो यहां पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, जैसे कुछ बाहर एक्सपोज्ड वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क इन वॉटर लॉग्ड एरियाज एंड एक्सपोज्ड पोजिशन, यानी बाहर है, उस कंडीशन में आप क्या यूज कर सकते हैं, सीमेंट या लाइम, दोनों मोर्टार यूज कर सकते हैं, सीमेंट और लाइम मोर्टार, मोर्टार ऑफ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन 1:3। लेकिन ध्यान रहे यहां पे लाइम जो यूज होगा वो कौन सा होना चाहिए, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, लाइम इज बीइंग यूज्ड, अभी मैं बता चुका हूं ये क्या होता है, लाइम बीइंग यूज्ड इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ये सिलेक्शन की बातें हो गई। अब बात करते हैं हम लोग एक छोटा सा टर्म जो हमें समझना होगा, देखिए क्या होता है ग्राउट, ग्राउट का मतलब जैसा मैंने बताया इंजेक्ट करना, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई क्रैक्स है, अब कोई वॉल बनाया आपने, हल्का सा क्रैक्स आया, तो अब उसके अंदर आपको मोर्टार फिल करना हो, जैसे मोर्टार भरिए और इंजेक्ट कर देंगे तो वो अंदर तक जाएगा, उस क्रैक्स को भर सकता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउट या फिर ग्राउटिंग। तो एक पॉइंट मैं नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे,
सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मोर्टार ऑफ फ्लूड कंसिस्टेंसी, ऑफ फ्लूड कंसिस्टेंसी यूज्ड टू फिल द वॉइड्स, अंदर जो भी क्रैक्स या गैप बन जाएंगे, फिल द वॉइड्स एंड ज्वाइंट्स इन मेजनरी एंड टू रिपेयर द क्रैक्स एंड टू रिपेयर द क्रैक्स इज नोन एज ग्राउट या फिर ग्राउटिंग। ठीक, अब समझ में आ गया ग्राउटिंग क्या बोल रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट मैं एक ग्यूनाइट बोला वर्ड, ग्यूनाइट। अब ग्यूनेटिंग या ग्यूनाइट बोल सकते हैं आप। तो ग्यूनेटिंग क्या होता है, ये मैंने बताया स्प्रे किया जाता है, और इसी को हम लोग और नाम से जानते हैं शॉर्टक्रेट। तो इसमें सीमेंट मोर्टार को स्प्रे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वॉल बना रहे हैं, उसमें रीइंफोर्समेंट दिए हैं, तो आप उसमें जब आप रीइंफोर्समेंट दे दिए तो मोर्टार एक प्रेशर से जाना चाहिए ताकि अंदर तक प्रॉपर तरीके से प्रेस हो सके। तो इसके लिए हम लोग एक मशीन लेंगे जिसे ग्यूनेटिंग बोला जा रहा है प्रोसेस। उसमें क्या किया जाएगा, इसमें मोर्टार जाएगा और यहां से स्प्रे होगा। जब स्प्रे होगा लगभग 90 सेंटीमीटर यानी 80 से 90 सेंटीमीटर हाइट से हम लोग स्प्रे करते हैं, और ये 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से यहाँ से रिलीज होता है मोटर और स्प्रे होता है। तो इस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं, या कहीं पे प्लास्टिंग करना हो तो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्यूनेटिंग या शॉर्टक्रेट। तो ये मेथड बड़ा ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल, क्योंकि आपके काम को आसान कर दे रहा है। तो इसमें मोटार को स्प्रे किया जाता है। तो एक लाइन लिखते हैं हम लोग, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मोटार, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मोटार, एप्लीकेशन ऑफ मोटार थ्रू अ होस प्रोजेक्टिंग एट अ हाई वेलोसिटी, एट अ हाई वेलोसिटी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अब इसमें क्या होगा ना, जब आप नोजल्स के थ्रू निकालेंगे तो उस वजह से प्रेशर के साथ जाएगा और एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा आपको, एक अच्छा मोटार वहां पे मिलेगा। तो अब मैं बात करूं प्रेशर कितना, किस प्रेशर से जनरली हम लोग मोटार को स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो प्रेशर ऑफ स्प्रेइंग द मोटार इज इक्वल टू, जनरली हम लोग लेते हैं 2 से लेकर के 4 kg/cm², और डिस्टेंस कितना लेते हैं, कितनी दूरी से स्प्रे करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम वॉल अगर आप देखेंगे तो ये जनरली कितना लिया जाता है, 80 से 90 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ग्यूनेटिंग शॉर्ट के एक छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको बताने जरूरी थे। बाकी अब हम लोग मोटार के बारे में समझ गए, और इसके बारे में समझ गए जो ब्रिक के बचे हुए हिस्से थे। अब हमें ब्रिक और मोटार को मिला करके ब्रिक मेजनरी कवर करना है, यानी वॉल बनानी। तो वॉल कैसे बनाया जाएगा, ब्रिक का आपने समझ लिया, मोर्टार कितने टाइप के समझ गए, अब कैसे वॉल को बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकेडमी। और अभी आप हमारे अनअकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, दैट इज इंजीनियरिंग लाइव यूट्यूब चैनल। इसे आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें,
बाकी मेरा कोड रवि राव, ध्यान रखें, कोई भी अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि अगर कोड को अप्लाई कैसे करना है, क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी बातें मुझसे आप क्वेरी अपने क्लियर भी कर सकते हैं। तो कोड याद रखिए, कोई भी कोर्स ले रहे हैं अनअकैडमी पे, आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, वेरी गुड नाइट, मिलते हैं कल इसी समय पे 8 से 10, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिक मेसनरी। तो थैंक यू सो मच।